वीरभद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता खुद भ्रष्टाचार में फंसे हैं और इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। मुद्दा भ्रष्टाचार के आरोपों का था, लेकिन दिशा कहीं और पकड़ ली गई है। बीजेपी पर आरोप लगे तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। फिलहाल जो आरोप लगे हैं वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ऊपर लगे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। वीरभद्र सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, ये बताइए कि जो बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही है, इन आरोपों के पीछे की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका मैं कई दफा जवाब दे चुका हूँ। आपको मालूम होगा कि अभी तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले, उसमें भी यही मुद्दा उछाला गया था। इस मुद्दे को स्वयं श्री अरुण जेटली जो जब चुनाव प्रचार में आए थे भाजपा की ओर से, उन्हें उस बात को उठाया। हमने उसका माकूल जवाब दिया, उससे आगे बढ़कर जनता ने उसका जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। जनता ने अपना फैसला दिया और अब बीच बीच में भी ये बात उठती रही है। अब जबकि भाजपा के कुछ नेता जो है भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, जैसे वसुंधरा राजे जी हैं राजस्थान से, शिवराज जी हैं मध्य प्रदेश से, और सुषमा जी है जो हमारे केंद्र की मंत्री है, वो आरोपों से घिरे हैं। तो उन्होंने उनके बचाव में मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं।